في المرض والكرز والحسن اللهم اعفني اللهم ربنا تقبل منا وتب علينا انك निकलना नहीं अंदर ही है ना, वो आने नमाज़ के टाइम वो दिन रहने अपने सिस्टम में लगभग 5-5.5 महीने के बाद मज़ार शरीफ को खोला गया है और यहाँ एक बॉर्डर का इलाका है और यहाँ बहुत दूर दूर से हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों से यहाँ लोग आते हैं और बाबा साहब के यहाँ जो फैज़ पाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बाबा फैज़ साहब के मतलब मज़ार में फैज़ रखा है उस फैज़ से सभी फैज़ाब होते हैं। यहाँ पे कुछ इसकी वजह से थोड़ा सा जो दुकानें वगैरह थी वो सब बंद थी, अब ज़ाहरीन भी आने लगे और दुकानें वगैरह भी खोली गई हैं, बाकी मामला जो है सब ठीक है। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल रखा है हमने यहाँ पे, लोगों को अलग अलग करके बिठाते हैं, मैक्स वगैरह लगवाने के बाद लोगों को अलग अलग बिठाते हैं और उनको से अलग अलग बिठा कर दुआ मांगते हैं हम, वो तबरुक देते हैं तब भी अलग अलग उनसे कहते हैं थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, तो तबरुक भी देते हैं तो तब भी अलग अलग बिठाते हैं। 5 महीने के बाद ये बाबा जी का ये रोज़ा रियात बंद हुआ था, आज वो अल्लाह ताला के हुक्म के से यह खुल गया है और हमारा आना जाना जो शुरू हो गया ज़ियारत पे मज़ार पे, वो अल्लाह का हम अल्लाह के दरबार में बाबा जी के दरबार में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी को शफाए अल्लाह करवाए और इसके
फजलो करम बाबा जी के फजलो करम से हमको जो आना जाना जो जो 5 महीने के बाद हमने खुला है, हमको बहुत बहुत मुबारक अल्लाह ताला को बारगाह में कबूल कर दी। बहुत अच्छा है। 5 महीने के बाद हम ऐसे थे बांधे सुनियत, यहाँ आते थे सुनियत न्याज चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, 5 महीने से अंदर ही बांधे ऐसे ही बस। बड़ा अल्लाह करम हुआ जो कि खुल गई जाता, चलो अल्लाह बात करे इस बीमारी से हमें सबको निजात। ज़ियारत खुल गई है जब, उसके बाद हमारा जो काम है अच्छा चल रहा है। पहले तो बिल्कुल ज़ियारत वगैरह ही बंद था, हमारा बिजनेस वगैरह ही बिल्कुल बंद था। 5 महीने हो गए तो काम हमारा अच्छा चल रहा है, अभी तकरीबन ठीक ही है मसला, क्या पता अब इसके बाद क्या होता है क्या नहीं। अभी खुल गई ज़ियारत, ठीक है, आज काम का थोड़ा बहुत ठीक है। 5 महीने तो बहुत ज़्यादा परेशानी रही, बंद रहा सब कुछ, बाजार बंद, शॉप बंद, ज़ियारत बंद, लंगर तो अभी भी बंद है, अभी बोल रहे हैं खोलने के लिए, देखते हैं कब तक। तो काम में फर्क पड़ेगा, अभी ठीक है, अभी ठीक है।